नाहिल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, और आपको अचानक देख के बहुत खुशी हो रही है। घर छोड़ के क्यों चली आई तुम? तो और क्या करती, अम्मी ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। तो बेटा इस तरह घर छोड़ के तो नहीं आते ना अकेले ही अम्मी घर? हाँ, मैंने भी इसको समझाने की कोशिश की थी, मगर बस जिद करके आ गई मेरे साथ। चली जान, अम्मी अकेली नहीं है, जमीला बाजी है ना उनके साथ। जमीला बाजी अब नहीं है, अम्मी अकेली हैं। वो कहाँ गई? उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें छोड़नी पड़ी नौकरी। जो भी हो, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती भाई। मनाहिल, तुम्हें पता ना, मैं वानिया को वहां छोड़ नहीं सकता, मैं मजबूर हूं। पर अम्मी को इस उम्र में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं वापस नहीं जाना चाहती भाई। उस घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं, और यकीन करें, जब से मैं इस घर में आई हूँ, अरमान और चची जान मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। उस घर से मुझे खौफ महसूस होने लगा। देखो मनाहिल, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अपना घर तो अपना होता है ना। चचियन बेशक जितना मर्जी तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, लेकिन कब तक रहोगी यहाँ पर तुम? जिंदगी भर? ये तो बिल्कुल मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बेटी है। मगर तुम्हारा भाई सही कह रहा है, भाभी जान की उम्र बड़ी हो गई है, उनको अकेले नहीं होना चाहिए। चची जान, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है, और अम्मी मुझसे ये हक छीनना चाहती हैं। भाई, आपने भी फैसला किया ना कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर आप मुझसे ये हक क्यों छीनना चाहते हैं? अम्मी ने भाभी पर इल्जाम लगा दिया कि वो उन पर तावीज करवा रही है, हालांकि वो खुद पढ़ाइयां कर रही है। उस घर को भूत बंगला अम्मी ने खुद बनाया है, और आप सब बाहर से निकल आए, तो फिर मुझे क्यों उस जहन्नुम में धकेल देना चाहते हैं? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। छोड़ो, मुझे कोई किसी से कुछ तस्लीम नहीं करवाना। माँ है तुम्हारी, क्या माफी मांगेंगी तुमसे? अच्छा समीर बेटा, बैठो, भाई बहन आराम से बैठ के बात करें, मैं चाय लाती हूँ। हाँ